प्रणाम गणेश भैया। भैया नाम यहाँ पे जो चित्रण और चिंतन जो दोनों को लिखा हुआ डिजायर के साथ में, तो मैं इसको इससे से समझ पा रहा हूँ कि जो चित्रण है दैट इज गाइडेड बाय सेंसेशन, प्री कंडीशनिंग एंड नेचुरल एक्सेप्टेंस, तीनों से गाइडेड होता है, पर कंटेम्पलेशन है वो केवल नेचुरल एक्सेप्टेंस से गाइडेड होता है, ऐसा है क्या भैया? अभी तो ऐसा है, लेकिन अल्टीमेटली हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो चित्रण है वो चिंतन से ही गाइड हो, इसीलिए रेड एरो बना हुआ है। चिंतन से गाइडेड हो, इसका मतलब नेचुरल एक्सेप्टेंस से गाइडेड हो। तो भैया लेकिन अभी जो पुराने संस्कार हैं इसमें मैं देख रहा हूँ कि कंडीशनिंग पे तो काफी काम हो पा रहा है, लेकिन कुछ सेंसेशन ऐसे हैं जो अभी भी चित्रण में हैं और चिंतन से गाइडेड होते हैं, तो चिंतन उसको ठीक तो नहीं मानता, लेकिन वो इतने स्ट्रोंग हैं कि हम उसमें फिर भी बार बार उस चित्रण में चले जाते हैं, तो उसके लिए बिल्कुल क्या उससे प्रयास करें भैया? क्योंकि अगर हम रोकते हैं तो इसका मतलब दमन होता है। कुछ एक सेंसुअल प्लेजर्स की बात कर रहा हूं मैं, जो कि चित्रण में पुराने संस्कारों की वजह से आ ही जाते हैं, और उसको हम अगर चिंतन के आधार पर रोकते हैं तो कहीं ना कहीं दमन जैसा तो नहीं है भैया? देखिए प्रोसेस को पहले समझ लीजिए। ये जो चिंतन लिखा है ना हम लोगों ने, वो हर जगह हर समय आपका चिंतन तो चल नहीं पाता, क्योंकि आपका संस्कार जो है वो चिंतन से ऊपर है। अभी तो 2 नंबर और 3 नंबर का जो बताया ना मैंने, तो वहां पर अगर आप कुछ और मान रखे तो वो चिंतन नहीं चलता, कुछ और ही चलता है ना, और उसी से चित्रण तय हो जाता है। ये 2 नंबर और 3 नंबर क्या? तो जो एक्टिविटीज की बात की ना हम लोग, सेल्फ की एक्टिविटी जो देख रहे थे ना, तो डायग्राम दिख रहा है ना आपको, जी, इस पे जो एक्टिविटी नंबर 2 है और 3 है, अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग एंड कंटेम्पलेशन है ना। जी। ये जो अंडरस्टैंडिंग एंड कंटेम्पलेशन आपका जो जगह है, वहां पर हमेशा अंडरस्टैंडिंग एंड कंटेम्पलेशन है, ऐसा भी है नहीं। जी वहीं पर तो मान्यताएं हैं जो बिना समझे हमने मान लिया है, तो संस्कार का जगह भी वही है। तो कोई और संस्कार एक्टिव हुआ तो वो चिंतन को चलने नहीं देता, वो तो कुछ और ही चला लेता है और उसी से चित्रण तय हो जाता है। ठीक है ना। हाँ, तो जो कंटेम्पलेशन है वो अभी अंडरस्टैंडिंग से गाइडेड नहीं है, वहां पे कुछ और चीजें भी उसको गाइड करें जो कि पुराने संस्कार हैं। और उसका कारण यह है कि अंडरस्टैंडिंग की जगह पर भी अंडरस्टैंडिंग प्लस और बिना अंडरस्टैंडिंग के संस्कार है, वो सब वहीं पे है। तो अंडरस्टैंडिंग का काम भी हुआ नहीं ना ठीक से, तो ठीक हुआ भैया अभी? हाँ वहां जो भी उसके बारे में संस्कार बना हुआ है वो, और उसके आधार पर जो आपका लक्ष्य तय होता है ना संबंध में, वो दोनों गड़बड़ होता है, इसलिए चित्रण गड़बड़ हो जाता है। ठीक है ना। तो उसको दमन करने की जरूरत नहीं है, क्या करना है उसको, उसको देखने की जरूरत है। तो अगर आपका चित्रण गलत हुआ उसको देखिए, उसके पीछे जो संस्कार है गलत उसको देखिए, देख के उसका मूल्यांकन कर लीजिए कि ये सहज है कि असहज है, सुखद है कि दुखद है, बस तो इतना ही तो करना है, और कोई प्रतिक्रिया मत करिए। जी भैया, और उसको देखते हैं भैया तो आस्वादन चयन पे मतलब देखते रहते हैं तो आस्वादन और चयन जो हो रहा है वो अपने आप चला जाता है। वही तो आस्वादन चयन जाता, ऐसा नहीं है जाता है, आपका जो भी संस्कार था ना और उससे जो भाव उत्पन्न हो रहा था वो दोनों का मूल्यांकन हो गया तो वो जाने लगा धीरे धीरे। क्योंकि देखिए जो सहज नहीं है वो हमको स्वीकार होता नहीं है, इसलिए उसका दम खत्म हो जाता है। अभी भी जो संस्कार हम बनाए हुए हैं वो हम निर्णय पूर्वक बनाए हुए हैं, जिस क्षण ये दिखेगा कि ये किसी काम करने उस क्षण चला जाएगा, हमारी सहमति के बिना नहीं है, हमने सहमति दे रखी है इसलिए है वो। तो जब हम देख लेंगे अपने भाव विचार को, उसके पीछे जो संस्कार है उसको, और ये भी देख लेंगे कि ये सहज नहीं है सुखद नहीं है, तो हमारी जो सहमति बनी हुई थी उसके लिए वो खत्म हो गई। जब सहमति खत्म हो गई तो उसका दम खत्म हो गया, वो अब वो छिन्न हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। कहीं कहीं गहरे में अगर सहमति थोड़ी बहुत बनी हुई है तो ही वो चल पा रहा है। एक्टली एक्टली कहीं ये ना कहीं ये
तो आस्वादन और जो चयन है ये अंदर जैसे ये इमेजिनेशन की घटना है कि ये बाहर से भी गवर्न है दोनों टेस्टिंग और सेलेक्टिंग? देखिए बाहर से कुछ इनपुट आ रहा है लेकिन सपोर्ट कौन कर रहा हो तो हम ही कर रहे हैं ना, ये दोनों तरफ से गवर्न है भैया, भीतर से भी और बाहर से भी। वही कहना बाहर से गवर्न नहीं है, बाहर से चॉइसेस के रूप में है, वो गवर्न तो अंदर से ही है। तो दादा हम लोग बार बार लेते हैं ना कि आप रास्ते में जा रहे हैं और आपको 500 रुपए का एक नोट दिखता है ना, आपका ध्यान तुरंत उस नोट पर जाता है, बहुत सारे और कागज पर नहीं जाता है। तो ये कैसे गवर्न है, अपने अंदर से गवर्न है कि बाहर से गवर्न है? अंदर से ही है भैया, है ना। तो बाहर से ध्यान आकर्षण हुआ क्योंकि अंदर की मान्यता ने ये दे रखा है कि ये 500 का है, इसकी एक वैल्यू अंदर बनी हुई है, इसलिए वो एग्जैक्टली तो आप उसको ध्यान भी इसीलिए दिए क्योंकि आप उसको महत्वपूर्ण माने हुए। तो ये अंदर वाले को ठीक करना है आपने, बाहर वाला तो फिर ठीक होने लगेगा। इधर देखे ना इतने सारे घर बनाए ना, अच्छे अच्छे घर, ठीक है, ये मेरा घर है उसको हम पहचान मानते हैं ना, घर थोड़ी मानता है। मेरा घर है ये कौन मानता है, मैं मानता हूँ कि घर मानता है। यही चीज संबंध में भी आती है कि मैं नहीं मान रखा कि मेरा मेरी बेटी है मेरी पत्नी है, ये संबंध में भी आती है जी। और मेरी बेटी है वहां तक मानना फिर भी ठीक, लेकिन मेरी बेटी है इसलिए इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, दूसरों का शोषण करना वो भी कर सकते हैं, ये तो हम ही नहीं मान रखा है। हमारे बच्चे को पढ़ाने के लिए दूसरों का शोषण कर सकते हैं, ये मेरा मान्यता है, बच्चा नहीं कर रहा है इस काम को, मैं ये कर रहा हूँ। बहुत बहुत आभार भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।